खनिया थाना के बामूर कला थाना अंतर्गत ग्राम रजौदा में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इस तरह बढ़ गया कि दबंगों ने फरियादी पक्ष पर लाठियों और पत्थरों से हमला बोल दिया तो महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, जिसमें आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए। फरियादी पक्ष की खेत पर बनी टपरियों में आग लगा दी और ट्रैक्टरों को भी पत्थरों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। बामूर कला पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं घायलों को उपचार के लिए खनिया थाना स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। मारा है? किसने मारा है? ढोंगा करने, चक करने, पहले ढोंगा करने। काय के चक्कर में बात हुआ? जमीन के चक्कर में। क्या हुआ आपके साथ? मारे साहब, कौन ने मारा? रतन सिंह ने, विशाल ने, और तो आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थाने में? जमीनी विवाद है। कवाद पे विवाद होगा? जमीन क्या हुआ आपके साथ? सर, एक जमीन कह रहे थे, चाहे सरकारी हो चाहे कैसी हो, उसमें तुम कह रहे टिप्पणियाँ डाल रहे हो, तो हमने कहीं हाथ जोड़े पाँव भी करे थे, ना माने थे। दो चार गांव के आदमी जो कि हमारे लिए मारे घुमा भी मार गए थे। आज बस हम तो दो चार दिन हम भी आते तो बस हमने बस कोई कुल रहा, कोई लो रहा, कोई लाइट, कोई फरसा, कोई कुलैया। अच्छा, बिलाक तुम कह रहे दो से आदमी आते उसे तो गाँव बता दे तुम कह रहे थे। कृषवान हमन सिंह भटली भगवस्ती। सर, एक मामला आया था रिजौदा गांव का, उसमें जो झगड़ा हुआ है और उनके ट्रैक्टर में एक्टर को नुकसान किया गया है और टपरियों में आग लगाई है, ये पूरा मामला क्या था? टपरियों में आग नहीं लगाई है, लेकिन ये है कि वो ट्रैक्टर जरूर फूटा है, तो दोनों पक्षों पे मारपीट का मुकदमा कायम है और वो सरकारी बंद भूमि की जमीन है, तो एक पक्ष ने उसको जोत लिया है। वहाँ सरकारी जमीन तो काफी लोग घिरे हुए हैं, लेकिन इनसे आपस में वो बोले हमारी भैंसें निकलेंगी, ये करेंगे, वो करेंगे। मौके पर मैं गया था, मौके पर समझाया, उसके बाद दोनों पक्षों पर मुकदमा कायम है, विवेचना में है अपराध अभी। क्या कुछ लोगों का कहना है कि ये चुनावी रंजिश भंजाई जा रही है हम पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि चुनावी रंजिश होती तो चुनाव के टाइम होता, लेकिन वो तो वन विभाग की जो कृषि लैंड है, जमीन है, वहाँ बहुत जमीन है, उसको जगह जगह लोग घिरे हुए हैं। कुछ लोगों ने प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया है कि बोले रास्ता है, जबकि लेकिन नहीं बोले इसकी खींचते थे हमारी पहले गाय भैंस चलती थी, अब इसने कब्जा कर लिया है, अब हम यहीं से निकलेंगे। उनने शिकायत वन विभाग को भी की है, अपने यहाँ भी दोनों रिपोर्ट पे थे, दोनों प्रकरण दोनों तरफ से क्रास मुकदमा है मारपीट के, और अभी प्रकरण विवेचना में है। मेडिकल रिपोर्टें कुछ आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, उसके बाद जैसी सूरत होगी कार्रवाई किया है। इनको 176 की बाउंड ओवर भी कराए जा चुके हैं पूर्व में, चुनाव को लेके कराए गए हैं, कुछ लोग रह गए तो उनको अभी करा रहा हूँ बाउंड ओवर। तो सर, जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए हुए लोग, इन पर प्रशासन की क्या कार्रवाई रहेगी? अब ये तो फॉरेस्ट की जमीन है, वन विभाग की जमीन है, तो उन्होंने वन विभाग को भी पत्र दिया है और शायद ऐसा पता लगा है कि वन विभाग द्वारा भी इनको नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं भी रेंजर साहब से बात करके उसको कराएंगे, ये विवाद शायद है कि और बढ़ जाए, लेकिन